नमस्कार। और आज है लॉकडाउन का सातवां दिन। चीन के वुहान प्रांत से शुरू हुई एक महामारी जिसका नाम था कोरोना वायरस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में COVID-19 भी बोला जाता है। और आज ये अपने 190 से ज़्यादा देशों में अपने पैर पसार चुका है और इससे लगभग 8,60,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं इस महामारी से, और लगभग 42,000 से ज़्यादा लोगों की अब तक जान जा चुकी है। हाँ, हम उसी कोरोना वायरस के बारे में बात कर रहे हैं जो भारत में अभी लगभग 1650 लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं और लगभग 42 लोग इससे अपनी जान गंवा चुके हैं। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को ऐलान किया था 21 दिन के लॉकडाउन के लिए, और वो 21 दिन के लॉकडाउन के बीच क्या क्या हो रहा है देश में, हम उसके बारे में बताएंगे आपको। सबसे पहली बात तो ये है कि धारा 144 लगाई गई। धारा 144 होती क्या है, आज मैं उसको उसके बारे में आपको बताऊंगा। मुख्यतः अगर बात की जाए, धारा 144 मुख्य मकसद से लगाई जाती है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, धारा 144 का मुख्य मकसद कई लोगों का एक जगह पर इकट्ठा होने से रोकना है। सरकार ये धारा तब लागू करती है जब लोगों के इकट्ठा होने से कोई खतरा हो सकता है या फिर इससे कुछ अहम जुड़े मामले आते हैं, जैसे कि कोई दंगा या फिर किसी तरह से आम लोगों को नुकसान पहुंचना, उससे रोकने के लिए धारा 144 लगाई जाती है। अब बात करते हैं धारा 144 कब और किस स्थिति में लगाई जा सकती है। धारा 144 CRPC की धारा 144 शांति कायम करने या किसी आपातकालीन स्थिति से बचने के लिए लगाई जाती है। किसी तरह के सुरक्षा स्वास्थ्य संबंधित खतरे या दंगे की आशंका को देखते हुए धारा 144 लगाई जाती है। उस इलाके में 5 या उससे ज़्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते। इस धारा के लगने के बाद धारा लागू करने के लिए इलाके के जिलाधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से एक नोटिफिकेशन जारी करवाना होता है। धारा 144 लागू होने के बाद इंटरनेट की सेवाओं को आम तौर से ठप किया जा सकता है। यह धारा लागू होने के बाद उस इलाके में हथियारों के ले जाने पर भी पाबंदी होती है। और अब बात करते हैं कब तक लगाई जा सकती है धारा 144। धारा 144 दो महीने से ज़्यादा समय तक नहीं लगाया जा सकता। अगर सरकार को लगता है कि इंसानी जीवन को खतरा टालने पर या किसी दंगे को टालने के लिए इसकी ज़रूरत है तो इसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में धारा 144 लगने की शुरुआती तारीख से 6 महीने से ज़्यादा समय तक इसे नहीं लगाया जा सकता। अब बात करते हैं सज़ा का क्या प्रावधान है धारा 144 को तोड़ने पर। गैर कानूनी तरीके से जमा होने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दंगे में शामिल होने के लिए मामला दर्ज किया जा सकता है। इसके लिए अधिकतम 3 साल कैद की सज़ा हो सकती है। अब बात करते हैं धारा तो अलग है, धारा 144 अलग है। अब इसके विपरीत अगर बात करें कर्फ्यू क्या होता है, तो कर्फ्यू के बारे में आपको बताते चलूँ। 4 यानी कि 144 और कर्फ्यू एक चीज़ नहीं है। कर्फ्यू बहुत ही रात में लगाया जाता है। उस स्थिति में लोगों को एक खास समय या अवधि तक अपने घरों में अंदर रहने का निर्देश दिया जाता है। मार्केट, स्कूल, कॉलेज आदि को बंद करने की भी आदेश जारी किए जाते हैं। सिर्फ आवश्यक सेवाओं की पूर्ति के लिए उन सेवाओं को चालू रखने की अनुमति दी जाती है। इसके दौरान ट्रैफिक पर भी पूरी तरह पाबंदी होती है। और भी कई सारी सुविधाएँ जो ज़रूरी नहीं है उनको बंद कर दिया जाता है, जैसे कि इंटरनेट और भी कई सर्विसेज को सरकार बंद कर सकती है कर्फ्यू मामले में। अब आपको, मुझे लगता है आपको सारी जानकारी मिल गई होगी कि धारा 144 और कर्फ्यू क्या होता है। कर्फ्यू दोस्तों अलग है और धारा 144 अलग है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं।